ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन टू एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर थ्री हंड्रेड एंड फोर एंड गाइज डोंट फरगेट टू शेयर योर रिव्यूज इन पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस तो चलिए शुरू करते हैं तुम्हारे कमरे की बेडशीट चेंज करने के ऑर्डर मैंने दिए और कमरे की क्लीनिंग भी मैंने करवाई थी क्यों अब इसमें भी प्रॉब्लम है तुम्हें आर यू क्रेजी क्रिश तुम अपनी उस घटिया वाइफ के जाने के बाद अपने कमरे की साफ सफाई भी नहीं करवा रहे क्या तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो चुका है और अपनी मॉम की बात सुनकर क्रिश गुस्से से दहाड़ करने लगा और अचानक ही वहां दो गन शॉट की आवाज आई एक दर्द भरी आवाज़ उस पूरे विला में गूंज उठी आ और वहां दो लोगों के दर्द से कराहने की आवाज के साथ ही खून की फुहार की धार फ्लो पर बह रही थी जिसके बाद घर के सभी मेंबर जो कि जल्दी से क्रिश के कमरे की तरफ जा रहे थे ताकि वह क्रिश के गुस्से को कंट्रोल कर सके अचानक ही उनका कलेजा मुंह को आ गया और उन लोगों के कदम अपनी ही जगह पर रुक गए थे सबके दिलों की धड़कन अचानक ही बंद हो चुकी थी गोली की आवाज़ उन लोगों के कानों में साफ साफ सुनाई दी थी और जैसा कि फैमिली मेंबर पहले ही जानते थे एना और सोफिया ऊपर क्रिश के फ्लो की तरफ गए हुए थे किसी अनहोनी का डर उन लोगों के दिल में घर करने लगा था कि तभी अचानक ही गोरी घबराकर कांपते हुए सभी लोगों की तरफ देखकर बोली ये कान्हा जी जीजू कहीं इस सोफिया की बच्ची ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कि बाबा बाबा जल्दी चलिए कहीं जीजू गुस्से में आकर कुछ कर ना दे और गौरी की बात सुनकर सभी लोग अपने होश में आए राहुल समर नताशा रॉकी तेजी से एक बार फिर क्रिश के फ्लो की तरफ लिफ्ट के जरिए जाने लगे कि तभी निक भी गोरी का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला मेरी हेल्प करो मैं भी चलूंगा निक की बात को सुनकर गोरी हाँ में सर हिलाकर उसे व्हीलचेयर की मदद से अपने साथ दूसरी लिफ्ट के जरिए लेकर जाने लगी और वही थोड़ी ही देर में सभी फैमिली मेंबर जैसे ही क्रिश के फ्लो पर उसके कॉरिडोर के बाहर आए उनकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई क्योंकि फ्लो पर चारों तरफ खून गिरा हुआ था और पीटर के साथ सोफिया भी फ्लो पर पड़े हुए दर्द से कराह रही थी एना गुस्से से क्रिश के ऊपर चिल्लाते हुए सोफ़िया को संभालने की कोशिश कर रही थी सोफिया के पैरों में गोली लगी थी और पीटर के हाथों में और इससे पहले कि वहाँ कोई कुछ समझ पाता कि तभी क्रिश की गुस्से भरी दहाड़ती हुई आवाज़ सभी के कानों में गई वह पीटर की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला पीटर यू ब्लडी इडियट आई होप यू नो वेरी वेल की तुझे ये सजा क्यों मिली है कि तुझे इस घर के किसी भी फ़ैमिली मेंबर ने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को तूने फॉलो किया ये बहुत अच्छी बात है लेकिन उन सभी ऑर्डर्स के ऊपर एक स्पेशल ऑर्डर और रूल है जिसे तूने ब्रेक किया है जिसकी सज़ा तुझे मौत से भी पत्थर मिल सकती थी लेकिन शुक्र मना कि तूने जिसकी ऑर्डर से ये काम किया था सिर्फ उनकी बातों के रिस्पेक्ट के लिए मैंने तुझे ज़िंदगी दान में दी है लेकिन आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना इस मेंशन में सबसे पहले किंग के ऑर्डर फॉलो होते हैं और अगर आज के बाद अगर तूने दोबारा कोई भी मिस्टेक करने किया रूल को ब्रेक करने की कोशिश की तो याद रखना कि मुगाफ़ी को ह्यूमन मीट बहुत पसंद है मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुझे उसके सामने ज़िंदा डालने में अब निकल यहाँ से और हाँ ट्रीटमेंट से पहले यह मैच क्लियर कर यही तेरी सजा है ताकि तुझे याद रहे जख्म से ज़्यादा किंग में दर्द देने में विश्वास रखता है और क्रिश की इस सजा को सुनकर पीटर दर्द से कांपते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और यूं ही बुलेट लगे खून से लथपथ हाथ को संभालने की कोशिश करते हुए वह क्लीनिंग के सामान को लेने चला गया उसके दोनों हाथों में बुलेट लगी थी उसका हाथ तो उससे संभल ही नहीं रहा था दर्द के बारे में उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और आंखों में आंसू थे लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया सभी लोग मायूसी से उस बेचारे को देख रहे थे लेकिन उसकी गलती यहाँ ये थी कि किन के ऑर्डर को उसने फॉलो ना करते हुए घर के दूसरे फैमिली मेंबर चाहे वह उसकी ही क्यों ना हो उनके ऑर्डर को फॉलो किया ये जानने के बावजूद कि क्रिश कितना क्रुएल है ये तो ध्वनिमत रही कि क्रिश ने उसकी जान नहीं ली और तभी क्रिश एक नज़र गुस्से से फ्लो पर गिरी हुई सोफ़िया को देखकर वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि तभी एना उस पर चिल्लाते हुए बोली क्रिश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पीटर को तुमने सजा इसलिए दी क्योंकि उसने मेरे ऑर्डर को फॉलो किया था लेकिन तुमने सोफिया को शूट क्यों किया उसकी क्या गलती थी और अपनी मॉम की बात सुनकर क्रिश ने एक बार फिर पलटकर अपनी डाक नीली आंखों से अपनी मॉम को देखते हुए कहा क्या ये भी आपको बताने की जरूरत है मोम की इसकी गलती क्या है इसने कीम को अपनी गंदी नज़रों से देखने की उसे पाने की चाहत की है बिना अपनी औकात को समझे और इसलिए मैंने इसे ये याद दिलाया है कि यह अपनी औकात कभी ना भूले किन के साथ सिर्फ़ क्वीन होती है और ये तो मेरी सर्वेंट बनने लायक भी नहीं है ये आज भी ज़िंदा सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि यह आपकी सो कॉल्ड भतीजी है बेहतर होगा यह अगली बार किन के सपने देखने से पहले अपनी इस कंडीशन को याद रखें और अगर आप इसकी भलाई चाहती है तो ये जहाँ से आई है इसे वहाँ पर भेज दीजिए इससे पहले कि मैं अगली बार आपका ख्याल करके भी इसे छोड़ ना पाऊं इतना कहकर क्रिश वापस अपने कमरे में आया और एक लाइटर उठाकर उसने अपने बेड पर आग लगा दी ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर काफी डार्क एक्सप्रेशन थे अब वह अपने क्लोजिट रूम में रेडी होने चला गया लेकिन उसके कमरे के बाहर खड़े लोग अचानक ही उसके कमरे में आग लगा हुआ देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे वह लोग पैनिक करने लगे थे जिसके बाद घर के इमरजेंसी अलार्म बजने लगे लिफ्ट ऑटोमेटिक ही बंद हो गई सभी इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज बंद हो चुकी थी क्रिश अभी भी कमरे में था सभी लोगों से ढूंढने के लिए उसके कमरे में घुसकर उसके क्लोज रूम के दरवाजे को पीते हुए उसे बाहर आने के लिए कह रहे थे लेकिन क्रिश के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे वही हूँ ही धीरे धीरे रेडी हो रहा था कि तभी राहुल और रॉकी जल्दी से हेल्प के लिए सभी सर्वेंट को बोलने लगे पूरी तरह रेडी होने के बाद फ्रेश उस कमरे से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र आशी के कान्हा जी के लॉकेट पर गई जो कि रिपेयर करके आ चुका था उसे देखकर कृष्ण ने उसे अपनी मुट्ठी में जकर लिया और अब वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल कर तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ जाते हुए कोल्ड और कमांडिंग टोन में बोला पीटर मेरे आने से पहले ये कमरा इस तरह रेडी होना चाहिए जैसे पहले था वरना इस बार आग तुम लोगों के जिसम में लगेगी और इतना कहकर क्रिश तेज कदमों के साथ घर से बाहर चला गया वही उसकी बातों को सुनकर पीटर जो की पहले ही दर्द से और खून से लथपथ था और फ्लो साफ कर रहा था उसके लिए नताशा और समर के साथ रॉकी को भी बहुत दया रही थी समर और नताशा जल्दी से पीटर को संभालते हुए उसे उसका काम छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोले पीटर ये सब छोड़ो ये दूसरे सर्वेंट कर देंगे अब दूसरे सर्वेंट की तरफ देखते हुए उन्हें कमांड देते हुए बोले सुनो पीटर को जल्दी डॉक्टर फ्रेंड के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ नताशा और समर की बात सुनकर पीटर दर्द से तड़पते हुए नामे सर हिलाते हुए बोला नहीं कि इनके ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुए मैं नहीं जा सकता वरना वह मेरी जान ले लेंगे इतना कहकर पीटर अपने नीचे काम कर रहे हैं दूसरे सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला जल्दी कमरे की आग बुझाओ और कमरे को इस तरह रेडी करो जैसे पहले था सम क्राउन बेड एंड पिंक बेड शीट व्हाइट एंड पर्पल कॉम्बिनेशन रूम पेंट कार्टून कैरेक्टर्स इन वॉल एंड किंग एंड क्वीन बिग पोर्ट्रेट इतना कहकर पीटर अपने काम में लग गया कि तभी रॉकी ने डॉक्टर फ्रेंक को बुला लिया था और वह जबरदस्ती पीटर को डॉक्टर फ्रेंक के साथ भेज देता है राहुल ने जल्दी से सवेंस की तरफ देखकर चिल्लाकर कर कर डांटते हुए कहा बेवकूफ़ हो क्या कर रहे हो तुम लोग घर में आग लगी है जल्दी जल्दी इसे कंट्रोल करो मैंने ये देखकर परेशान थी कि सोफ़िया को वहाँ कोई भी संभालने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि सबकी नज़र पीटा पर थी सोफिया जिसके पैरों में गोली लगी थी वह दर्द से रोते हुए ऐना से हेल्प मांग रही थी आंटी प्लीज़ हेल्प बहुत दर्द हो रहा है ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और यहाँ सबको इस पीटा की पड़ी है मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा ये देखकर एना गुस्से से तिल मिलाते हुए सोफ़िया को संभालने की कोशिश करते हुए बोली तुम मेरे साथ चलो सोफिया मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ क्योंकि यहाँ तो सब अपने किन की तरह इतनी पत्थर दिल है क्यों नहीं तुम्हारी फिक्र ही नहीं है सबको तो उस धोखेबाज लड़की आशिकी की फिक्र है जो भले ही यहाँ से चली गई है लेकिन अपने पीछे भी मैं जान सबको क्या पट्टी पड़ा गई है खासतौर से मेरे बेटे को वह तो पूरी तरह उसके पीछे पागल हो गया है अरे क्या किया था मैंने कमरे का पेट ही तो चेंज करवाया था उसकी बेडशीट और कमरे के पोर्ट्रेट थी तो हटाए थे ऐसा भी क्या क्राइम कर दिया था मैंने क्या एक माँ होने के नाते मेरा इतना भी हक नहीं है कहते हुए ऐना की आंखों में आंसू थे और ऐना की बातों को सुनकर सोफिया एक बार फिर दर्द से रोते हुए फ्लो पर से बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली आह आंटी मुझे चला नहीं जा रहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्लीज मेरी हेल्प करो आह क्रिश वाला है यह मुझे पता था लेकिन वह आपके भी कंट्रोल में नहीं है यह मुझे पता नहीं था आप मेरे सपोर्ट में थी फिर भी उसने मुझे इतनी बुरी तरह हट किया क्रिश बहुत बुरा है आंटी बहुत बुरा है और सोफ़िया को इस तरह रोता हुआ देखकर फ़ाइनली नताशा ने समर की तरफ इशारा किया कि वह उसकी हेल्प करे पर समर चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता वैसे भी उसे सोफ़िया पहले भी पसंद नहीं थी ऊपर से वह तो हमेशा आशी के खिलाफ़ थी इसके बदले में समर ने उसकी जान नहीं यही बहुत बड़ी बात थी अब नताशा ने मायूसी से रॉकी की तरफ देखा तो रॉकी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके दूसरे सर्वेंट के साथ मिलकर झूठ मूठ में जाकर कमरे की क्लीनिंग करने में लग गया अब नताशा ने मायूसी से राहुल और ऐना की तरफ देखा और जैसे ही सोफिया की हेल्प करने के लिए आगे आने वाली थी कि तभी राहुल एक सर्वेंट को इशारा करके सोफिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहा ये सब एना भी देख रही थी कि उसके घर के तो बेटे भी सब आशी की ही साइड है और ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे वह गुस्से से वहां से जाने लगी कि तभी राहुल ऐना की तरफ देखते हुए उसे पीछे से आवाज देते हुए बोला ऐना माँ होने के नाते तुम्हारा कितना हक है और कितना नहीं ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त तुम जो कर रही हो वह एक माँ होने के नाते नहीं बल्कि आशी से अपनी नफ़रत और गुस्सा उतारने के लिए कर रही हो तुम्हारी आंखों में मुझे कहीं भी क्रिश के लिए ममता नज़र नहीं आ रही बल्कि एक ईगो नजर आ रहा है तुम खुद को ये सेटिस्फाई करना चाहती हो कि आशी से ज़्यादा तुम क्रिश के लिए इम्पोर्टेंट हो और तुम चाहती हो कि वह तुम्हारी बात मानकर अपने दिल की फीलिंग्स को दरकिनार करते हुए उस लड़की का हाथ पकड़े जिसे तुम उसके लिए पसंद करती हो ऐना एक बात याद रखना माँ वह नहीं होती जो बच्चों पर अपना हक जाता है बल्कि माँ वह होती है जो बच्चों को उनका हक दिलवाएं उन्हें समझने की कोशिश करें आशी के लिए तुम्हारी नफ़रत तुम्हारी आंखों में दिख रही है यह वही नफ़रत है जो कुछ महीनों पहले भी मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था और उस वक्त भी तुमने वह गलतियाँ की थी जिसके बदले क्रिश तुम्हें अपने तरीके से सजा दी थी देखा वैना मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना कहीं ऐसा ना हो तुम अपने झूठे हक के चक्कर में अपना बेटा भी खो बैठो क्रिश कितना कोल्ड और क्रूएल है ये हम सब जानते हैं लेकिन वह आशी कों के हद तक प्यार करता है वह उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है और उन दोनों का रिश्ता के साथ तक मजबूत है इस बात को तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो आशी के लिए क्रिश के दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसे तुम कभी नहीं बदल सकती इस बात को तुम समझ लो तो बेहतर होगा एक माँ होकर जब तुम अपने बेटे के दिल को नहीं समझ पा रही तो मुझे लगता है तुम्हें कोई और कुछ भी नहीं समझा सकता पिछली बार तो कृष्ण तुम्हें माफ़ कर दिया प्लीज़ इस बार कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसके बाद तुम उससे माफ़ी की उम्मीद भी ना रख सको इतना कहकर राहुल पीटर के सभी सवेंथ्स की तरफ़ देखते हुए उन्हें कमांड देते हुए बोला क्वीन के समान को अच्छे से अरेंज करके उनकी सही जगह पर रखना याद रहे एक भी सामान मिसिंग ना हो वरना तुम लोगों को किंग से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा पीटर की कंडीशन याद रखकर काम करना इतना कहकर राहुल तेज क़दमों के साथ वहां से चला गया और अब नताशा रॉकी भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए समर भी एक नज़र आशी के कमरे को देखकर वहां से जा चुका था और अब उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान के साथ कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे बाबा ने ठीक कहा था तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कीम ढूंढा है इन बातों को दिल ही दिल में रहते हुए समर भी वहां से जा चुका था और अब और लास्ट में अकेले खड़ी थी एना के चेहरे पर काफी गुस्से भरी एक्सप्रेशन थे और वह आशी के कमरे को एक बार फिर गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी यह लड़की जिसकी सिर्फ एक बेडशीट में चेंज नहीं कर पाई लेकिन इस लड़की ने मेरे बेटे को पूरी तरह चेंज कर दिया है तुम ही अच्छा नहीं कर रहे और वही दूसरी तरफ गौरी और निक जो कि इस वक्त लिफ्ट के जरिए आ रहे थे वह लोग इस विला बिल्डिंग के बैक साइड वाली लिफ्ट में थे इस पूरे एरिया में टोटल फोर लिफ्ट सेट लगे हुए थे जिसमें से गौरी ने उस लिफ्ट को इस्तेमाल किया था जो की बैक साइड था जिसकी वजह से अचानक ही इमरजेंसी अलार्म के बाद वह लिफ्ट बंद हो चुका था और अब निक और गौरी लिफ्ट के अंदर ही फंस गए थे लिफ्ट में पूरी तरह अंधेरा हो गया जिसके बाद गौरी बहुत ही बुरी तरह पैनिक करने लगी जल्दी जल्दी लिफ्ट का दरवाजा बैठते हुए हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्योंकि सभी सर्वेंट का ध्यान क्रिश के कमरे को सेट करने में और फ्लो पर गिरे हुए सभी मैस को क्लियर करने में लगे हुए थे वैसे ही घर में बहुत तमाशा हो गया था जिसके बाद सभी के सर पर मौत का साया मंडरा रहा था और सब अपनी नाक कान एक ही जगह पर फोकस करके काम कर रहे थे घर के बाकी सभी मेंबर्स सीडीओ के रास्ते अपने अपने कमरे में जा चुके थे और अब गौरी निक को वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था और अब गौरी पैनिक करते हुए रोने लगी थी निक भी परेशान था सो डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे